आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। आप भाई हाउस पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर एक अकाउंट को लॉग आउट करके कोई नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सो गाइस आप किस तरह कर सकते हैं आज की वीडियो में सिंपली यही बताऊंगा कि आप भाई अपना हाउस पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट वैसे जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस बिना वक्त के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली सबसे पहले तो आप भाई ने हाउस पार्टी जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर ही आपको एक इमोजी देखने को मिल रहा है, सो गाइस आपने उस इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इधर आप भाइयों को एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है, जहाँ से फ्रेंड लिस्ट है उसके सामने आपको एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा है। सो गाइस आपने उस आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप भाइयों की प्रोफाइल, तमाम परमिशंस और नीचे आप भाइयों की रेट्स वगैरह, तमाम प्राइवेसी जो देखने को मिल जाएगी, तमाम सेटिंग देखने को मिल जाएगी। सो गाइस आप भाई गौर कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट पे आपको जो है वो लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो गाइस आपने लॉग आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसे लॉग आउट कर देना है नंबर फर्स्ट पे। तो बस इतनी सी सेटिंग करनी है, आप भाइयों का जो हाउस पार्टी वाला अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप भाइयों को आई हैव ऑलरेडी साइन अप पे क्लिक करके आप भाई इधर अपना कोई भी नया अकाउंट जो है वो साइन इन कर सकते हैं। जस्ट इतनी सी वीडियो थी कि आप भाई जो है वो हाउस पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर एक अकाउंट को मेरे बॉक्स ऐप पर मुझसे जरूर शेयर कीजिए। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन्हें अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।